बड़ा बयान यहाँ पर सीएम भूपेश ने दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश ने यहाँ पर कहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी ज्यादा? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर जो बयान दिया है, सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पंजाब की जो कांग्रेस की सरकार है उसको पदच्युत करने के लिए यह कार्यवाही की गई है, और वहां पर कोई जो समारोह में जाने वाले थे प्रधानमंत्री, वहां पर 700 से ज्यादा लोग उपस्थित रही थे, और ऐसे में प्रधानमंत्री का लौटना लाजिमी था। लेकिन उन्होंने इसे पूरी एक भाजपा उनका आरोप उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा पर भी लगाया कि ये भाजपा की सुनियोजित साजिश के तहत जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसका नाट्य रूपांतरण आप लोगों को दिखाया गया है, और भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से आरोप अब लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, चरणजीत चन्नी सरकार पर, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बचाव में पूरी तरीके से बोलते नजर आए, और उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए ना केवल आईबी और सीबीआई को दोषी ठहराया कि आईबी और सीबीआई को क्या पता नहीं चला था कि यहां पर किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, अचानक वो सड़क मार्ग से चले जाते, और 200 किलोमीटर चलने के बाद यदि लोगों को पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो ऐसी कई बातें उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया, एक कटाक्ष किया, एक तंज किया है। जी आयुषी जी, बिल्कुल। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहां पर साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।